अच्छा, आपके घर में कभी कोई मेहमान आया जो अल्कोहल की शौकीन है और यू नो कभी कभी कॉकटेल पिया करते हैं या कुछ अच्छे ड्रिंक पीते हैं, तब अक्सर आप स्ट्रेट ड्रिंक ऑर्डर करते हैं, मतलब आपके पास जो पड़ा है वही ड्रिंक आप बना के दे देते हो। मैं हमेशा बोलता हूँ कि यार, घर में जो इंग्रेडिएंट्स है उससे आप कुछ यूनिक बना सकते हो और एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आपके गेस्ट को आप दे सकते हो। वो कैसे? सिंपल है यार, मेरा वीडियो देखा करो, आपको होल लॉट ऑफ आइडियाज मिल जाएंगे। चलो आज मैं वैसा ही कुछ आइडिया शेयर करने वाला हूँ। जब भी कोई मेहमान आए, अगर वो जिन पसंद करते हैं तो बेहतरीन जिन से कॉकटेल बना सकते हैं। बहुत सिंपल है, आइए देखते हैं इस कॉकटेल को कैसे बनाते हैं। मैंने इसका नाम रखा है ब्लू लेगुन स्विरल और बहुत सिंपल है। चलिए तो फिर बनाते हैं। ये रहा वो इंग्रेडिएंट लिस्ट, देख लीजिए आपको क्या क्या चाहिए इस कॉकटेल को बनाने के लिए। तो शुरू करते हैं। पहले आपको चाहिए एक शेकर, जहाँ पर आपको शेक करना है इस पर्टिकुलर ड्रिंक को। घर में अगर शेकर नहीं है तो कोई भी डब्बा उठा लीजिए जहाँ पर लीड है, उससे भी काम चल सकता है। तो फिर आपको क्या देना होगा? ऑफ कोर्स जिन देने पड़ेंगे और मैं यहाँ पर जिन दूंगा 60 ml। तो चलिए पोर कर लेते हैं 60 ml। ओके, सो जिन देने के बाद आपको यहाँ पर देने होंगे थोड़ा सा लाइम जूस। बाय द वे, आप चाहे तो जिन को 45 ml भी दे सकते हैं, थोड़ा माइल्ड बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक ट्विस्ट है, मैं आपको आगे जाके बताऊँगा। तो ये 15 ml लाइम जूस मैंने इसमें डाल दिया। अब लाइम जूस डालने के बाद आपको देने पड़ेंगे मैट टू डिसायर का ब्लू क्रुआसाओ सिरप, और ये आराम से मार्केट में मिल जाता है और ये फैंटास्टिक कलर ऐड करता है, ब्लू कलर आपकी कॉकटेल में। तो फिर चलिए इसको भी डाल देते हैं। मैं ये मतलब ब्लू क्रुआसाओ सिरप को मैं डालूंगा अराउंड 20 ml मैट टू डिसायर का। आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं फ्रेंड, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूंगा, आप वहाँ से एक मंगवा सकते हैं, बहुत सारा ड्रिंक बनेगा। ओके, अब थोड़ा सा आइस दे देता हूँ। देखिए कितना आसान तरीके से बन रहा है ना, मतलब आपको क्या, अब मैंने क्या दिया, सिंपल तीन इंग्रेडिएंट्स अब तक दिए है ना, ब्लू क्रुआसाओ, देन जिन एंड लाइम जूस। अब आइस देने के बाद इसको बंद करके शेक कर लीजिए। इसको बोलता है स्टेन गन चलाना, ठीक है ना। अभी इसको हम लोग खोल देंगे ऊपर से एंड देन हम लोग इसको एक ग्लास में डाल देंगे। तो इसमें मैं भरपूर क्रस्टाइज लाता हूँ, आ गया लॉट्स ऑफ क्रस्टाइज। आप अगर नोटिस करेंगे तो देखेंगे कि ये ना एक्चुअली क्रस्टाइज नहीं है, ये और भी थिन होता और भी पतला होता, बट यहाँ पर देखिएगा आइस थोड़ा मोटा मोटा किस्म का है, इसको बोलते हैं क्रैक्ड आइस। इसमें ये ड्रिंक बहुत अच्छा दिखेगा। तो चलो इस ड्रिंक को हम लोग डालते हैं एक ग्लास में। कलर देखिए, मतलब कमाल का कलर है ना, ब्लू क्रुआसाओ। इसको अब मैं सिप कर लूंगा। मैंने क्यों किया मालूम? कहानी है, थोड़ा सा ओल्ड मॉन्क दे देंगे, पुचकुसा, जो मैं भूल गया था कॉकटेल बनाने के टाइम पे। बाय द वे, आप ऐसा बिल्कुल मत कीजिए, आपको याद रखना है कि ओल्ड मॉन्क भी जाएगा यहाँ पर। तो मैंने ये पुचकुसा ओल्ड मॉन्क को डालने के लिए एक स्पून का इस्तेमाल करूँगा और ऊपर से हल्का हल्का करके थोड़ा सा ओल्ड मॉन्क मैं डाल दूंगा। ये देखिए, थोड़ा नीचे गिर गया है, बट ओल्ड मॉन्क नीचे गिरना बिल्कुल नहीं चाहिए। हाँ, थोड़ा सा मुझसे गलती हो गई, ओल्ड मॉन्क लवर मुझे क्षमा कर देना कि मैंने गिरा दिया थोड़ा सा। एनीवे, तो ये एक ओल्ड मॉन्क का टच, ये ना आपका जो ड्रिंक है इसको थोड़ा सा कैरामेल टेस्ट देगा। तो मैं पहले इसको साफ करता हूँ, फिर मैं इसको टेस्ट करूँगा। तो साफ हो गया, अब इसको पीऊँगा। बट मैं और एक चीज भूल रहा हूँ और वो है गार्निश। तो फिर मैं
ऑर्किड फ्लावर चुन के लाया था, मार्केट में मिल जाते हैं, थोड़ा एक्सपेंसिव है। और ये जो कलर है इसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए मैंने ब्लू ऑर्किड लिया, तो मैं इसको अंदर में ऐसे डाल दूंगा। वाओ क्या लग रहा है भाई, ये देखो, मतलब मस्त है ना। अब ये बन गया मेरा ड्रिंक, अब मैं इसको टेस्ट करूंगा। मैंने इसको मिलाया नहीं, तो ऊपर में ओल्ड मोंक का पंच मिल रहा था और ये जो होल ड्रिंक है उसका खुशबू मुझे मिल रहे थे, नींबू, ऑरेंज एंड और जो जिन का फ्लेवर है वो सारा का सारा प्रॉपर तरीके से मतलब आपके माउथ में आ रहे हैं। तो ये था आज का कॉकटेल जिसका नाम है ब्लू लेगुन स्क्विरल। तो ये बनाइए और मुझे लिखिए कि आपको कैसा लगा। अगर सच में अच्छा लगता है, सच में, तब जाके लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। प्लीज ड्रिंक रिस्पॉन्सिबली एंड डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। जय हो।